लोकसभा चुनाव 2024 में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने कई उपाय किए हैं। पहली बार आयोग ने बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के लिए घर पर मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई है, जिसके तहत लोकसभा के पहले और दूसरे चरण के लिए बुजुर्गों और दिव्यांगजनों की वोटिंग शुरू हो गई है। ये तस्वीर यूपी के बुलंदशहर की है, जहां दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होगा, लेकिन उससे पहले चुनाव आयोग के आदेश पर बुजुर्गों और दिव्यांगों का वोट घर घर जाकर लिया जा रहा है। इसी कड़ी में बुलंदशहर के जिला निर्वाचन अधिकारी सीपी सिंह ने नवीन मंडी स्थल से मोबाइल पोलिंग पार्टियों को रवाना किया। आपको बता दें कि मोबाइल पोलिंग टीम मतदान के पत्रों के साथ ऐसे मतदाताओं के घर जा रही है जो कि 85 साल की उम्र पार कर चुके हैं या फिर 40% से अधिक दिव्यांग हैं। ऐसे सभी मतदाताओं को घर से ही वोट डालने की सहूलियत निर्वाचन आयोग की ओर से दी गई है। आज वोट डालने आए थे यहाँ पर? यस। अच्छा, किस किस ने वोट डाला है? हमारी अम्माएं 85 साल से ऊपर के हैं, बुजुर्ग हैं, जो लोग उनके वोट लेने के लिए आए थे वो लोग, तो हमारी अम्मा ने डाला है, वोट डाल दिया उन्होंने। घर घर जाकर मतदान का प्रावधान एक प्रगतिशील उपाय माना जा रहा है, जिसका उद्देश्य उन मतदाताओं को सशक्त बनाना है जो मतदान केंद्रों पर चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने में बाधित रह जाते हैं। विशेष रूप से बुजुर्ग और दिव्यांगों के सामने मतदान करने की चुनौती आती है। वोट देने के अधिकार में कोई बाधा न आए, इसके लिए चुनाव आयोग ने इस बार घर घर जाकर वोट लेने की विशेष पहल की है, ताकि लोकतंत्र को मजबूत बनाने में कोई भी मतदाता न छूटे। पंजाब केसरी टीवी के लिए बुलंदशहर से वरुण शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।